दोस्तों, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। अब उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि संविधान में कैसा दोहातीपना किया गया है, मतलब कि दोगलापन जो है ना वो संविधान में भी है। ये बताया जा रहा है कि अगर इंडिया सेकुलर है तो हर चीज़ इंसान को बराबर मिलनी चाहिए, मतलब कि चाहे वो OBC हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो, हर किसी को बराबर मिलना चाहिए ना, यही तो सेकुलरिज्म। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है, और जिस बारे में ये बता रहे हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पता चल ही जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 की फोटोकॉपी है, इसलिए आज जो संविधान में आपकी बीमारियों का कहीं कुछ इलाज नहीं रहा, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के द्वारा बना हुआ था। तो हम कहते हैं संविधान 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 में एक पैरेलल व्यवस्था चल रही है, इसलिए सेकुलर भारत भी है। लेकिन उसके बावजूद भी 5,500 करोड़ का मुसलमानों का सच्चर कमीशन का बजट है, जिसमें मुसलमान युवा बच्चों को सिर्फ 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लोन दिया जाएगा, वो वापस न करें कोई फर्जी सिम। इसी तरीके से माइनॉरिटी कमीशन का 1,000 करोड़ का बजट है, इसी तरीके से मुस्लिम मुतबर्सला बोर्ड का बजट है, इसी तरह मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड का अलग से। तो जब भारत सेकुलर है तो फिर ये क्यों है, सही बात है, फिर ये क्यों है? तो सब तो आपके मंदिरों पे जो पैसा आप चढ़ाते हैं, जो बात मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूँ, खासतौर से महिलाओं से कह रहा हूँ, आपके मंदिरों पे जो पैसा चढ़ता है उसकी दो मिसाल देता हूँ। पूरे देश में बड़े बड़े मंदिर हैं, एक है देवस्थानम बोर्ड तिरुपति, हर साल जितना पैसा चढ़ता है उसमें से 1,300 करोड़ रुपया हर साल सरकार। वैष्णो देवी आप जाते हो, माता पे चादर चढ़ाते हो और सबको चढ़ा के आ जाते हो, वहां से 520 करोड़ रुपया सालाना जाता है। आपके मंदिरों से अरबों पैसा, जितना पैसा सरकार का बजट नहीं है उसके बराबर का पैसा आप चढ़ा के आते हो, आप सोने का मुकुट चढ़ाते हो, वो पैसा सरकार लेती है और उसी पैसे से ये सरकार मुसलमानों की स्कीम चला रही है, IAS बना रही है, PCS बना रही है और गला काटने वालों को सरकार पैसा दे रही है। इन मुद्दों को आपके नेता उठाते हैं ना आपके लोग उठाते हैं कि भाई जब आप चर्च से पैसा नहीं लेते, आप गुरुद्वारे से पैसा नहीं लेते, आप चर्च किसी और मजहब से लेते, तो भारत के मंदिरों पे तो पैसा मेरी आस्था का पैसा है, इस पर सरकार पैसा कैसे लेती है? फिर दूसरा, सारे सरकार ने जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं उनका नियंत्रण जो है वो सरकारी हो गया है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर अब्दुल रहमान है तो आपके मंदिर उसके अंडर में आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि समाज के ठेकेदार जो हिंदुत्व की सुबह से शाम तक बात करते हैं, वो वैष्णो देवी के ट्रस्ट में 20 मुसलमान क्यों है ये नहीं पूछते। इसलिए आपसे मैं सबसे कह रहा हूं, पैसा मंदिर पे मत चढ़ाइए, वो पैसा आपकी गर्दन काटने वालों के पास जाए। जब तक ये पैसा आपका है, मुझे छोड़ के ऐसे पागल इस देश में बहुत कुछ काम कर रहे हैं, उनको जाइए।